साथ इनके जो जैसे साथ जो कार्यकर्ता है बुजुर्ग कार्यकर्ता है हमारे साथ है, तो इनसे बात करेंगे। नगर पालिका बनने के बाद में इस वार्ड के अंदर कितना विकास हुआ और अब की बार यहाँ से मुकेश जी को टिकट दिया है, तो ये उनके साथ में काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में, वो क्या उम्मीद है उनसे? ठीक है महेंद्र भाई, हाँ सर साहब, जैसे अभी आपने बहुत से ऐसे पार्षद बनाए, बहुत से चेयरमैन बनाए आपने यहाँ से, तो आपके वार्ड में कौन सी प्रमुख समस्या है जो अब तक नहीं उसका हल हुआ? अब तक जो नगर पालिका चला जैसे हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ हमारा वार्ड, तो इसका कारण क्या रहा? इसका कारण सर सुनती नहीं है, मैं तो सुनी नहीं, जब भी मुकेश ने खड़ो करो, हमारा पोता है मुकेश, मुकेश ने हमने खड़ा कर दिया। तो पिछली बार भी आपने यहाँ से भाजपा को जिताया था, भाजपा ने यहाँ से टिकट दिया था, कुड़ी साहब यहाँ से चेयरमैन पार्षद बने थे, तो आप अब की बार भी भाजपा से मुकेश जी को विश्वास किया, टिकट दिया, तो क्या मुकेश जी से उम्मीद है भी अब की बार काम करेंगे? हाँ काम करेंगे, उम्मीद है मुकेश की, उम्मीद है काम करेगा मुकेश, और कराने वाले ने सब सुधार किए, कोई आमड़े नहीं। तो वार्ड में कौन सी प्रमुख समस्या है? वार्ड में बिजली बोर्ड की, पानी की, रोड नहीं है, रोड लाइट नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। मुकेश जी तो सुनेंगे? हाँ मुकेश जी सुनेगा, खड़े में कर रहे हैं जो जो हमारे जो 12,000 लाट के बाद में किराया को नहीं भी फाइल दबवा दी, हाँ फिर भाई एक नहीं मान पैसा को आधा तो दे दिया, जो आपका था ज्यादा पैसे दे दिए, और हमारा शादी पैसा अब तभी में नहीं दिया, भाई फाइल लेने भी पड़ी। तो मुकेश जी पूरा आशीर्वाद आपका? हाँ पूरा पूरा आशीर्वाद मुकेश, कपड़ा लड़का तो अपना ये बजरंग बली लगाएगा बेड़ा पार, लगेड़ी मान लीजिए, थे आप देख रहे हो डीपीके न्यूज। आज हमारे साथ बगरू नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, वहाँ से 33 नंबर वार्ड से मुकेश जी चौधरी हमारे साथ है, तो भाजपा ने इन पे विश्वास करके अब की बार यहाँ से इनको टिकट दिया है 33 नंबर वार्ड से, तो पिछली बार भी ये वार्ड यहाँ से भाजपा को यहाँ से जिताया था, लेकिन ये परिसमन में अभी 33 नंबर वार्ड बना है, तो मुकेश जी चौधरी कौन कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं इनसे बात करेंगे, और इस वार्ड के अंदर कौन सी प्रमुख समस्या है जिसको लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो पिछली बार भी यहाँ से जो बोर्ड बना था भाजपा का बोर्ड बना था, तो अब की बार क्या यहाँ से भाजपा का बोर्ड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा उस पर बात करेंगे उनके साथ। तो साहब चरण चंद्र बहुत बहुत स्वागत आपका, थोड़ा मस्त नीचे कर लो थोड़ा। तो दिखाओ आपके जैसे अभी यहाँ से आपको पार्टी ने विश्वास किया है, यहाँ से भाजपा पार्टी ने आपको टिकट दिया यहाँ से, तो वार्ड में कौन सी प्रमुख समस्या है जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? पानी पिए मेरे बारे पानी पिए, रोड लाइट भी नहीं है, मतलब मैं नगर पालिका क्षेत्र में मेरे वार्ड को पूरा बैकवर्ड टाइम में रखा था, उस मुद्दे से मैं इसी आया हूँ। तो मुकेश जी क्या कारण रहा, पिछली बार भी भाजपा का बोर्ड बना था फिर भी ये वार्ड के बीच में विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? साहब अब ये तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो मेरे वार्ड के अधिकारी थे उन्होंने मेरे वार्ड के ऊपर नजर नहीं डाली जी। अब यहाँ पे बीच में कच्ची बस्ती पड़ती है, अब मैं उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं करा सकता ना सही, पर कम से कम पानी तो व्यवस्था तो कराऊँ ना उनके लिए मैं। तो आपके वार्ड के अंदर हमने देखा था पिछली बार भी एक ऐसी घटना घटी थी, कुछ मवेशी जल के यहाँ से चुके थे, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुंची, रास्ते के रास्ता ही नहीं था, रोड ही नहीं बनी। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो क्या वो जो समस्या है उसका समाधान होगा? बिल्कुल साफ सब समस्या का समाधान होगा, जो मेरे वार्ड में आज तक जो जितने भी समस्या है उनका निरंतर प्रयास करके हम उनकी सफलता बनाएंगे। तो आप एक बिजनेसमैन थे, आप बिजनेसमैन से आपकी राजनीति के अंदर आए और आपके वार्ड के अंदर आपका चुनाव लड़ने का मुख्य मकसद क्या? मैं मुख्य मकसद यही है मेरा कि मेरे वार्ड की सेवा करना और मेरे वार्ड में जो भी कमियां रह गई उन सबको पूरा करना। तो जैसे बात करेंगे अभी जैसे आपने बताया लास्ट के अंदर ये वार्ड आता है गांव के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो गरीब जो तबका जो आपको लोग रहते हैं तो उनके लिए कौन सी वार्ड समस्या आ रही है? जैसे पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी बगरू के अंदर, हमने देखा था बिश्नपुर के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो क्या वो जो उनकी समस्या है उसका समाधान होगा? बिल्कुल सर समाधान होगा, पानी की व्यवस्था सबसे प्रमुख काम है, पानी की व्यवस्था करवाना होगा, कईयों के लिए राशन भी नहीं मिल रहा है, वो राशन को प्रारूप करवाना, सब चीज़ें करना। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं नगर पालिका की, तो सफाई जो कर्मचारी है वो जो देखा गया पिछली बार भी हमने देखा था कुछ राजस्थान के अंदर के जयपुर की टच के अंदर जो नगर पालिका बगरू आती है, तो बहुत सी नगर पालिका राजस्थान के अंदर वहाँ पे सफाई कर्मचारी भी सही रूप से काम करते हैं, लेकिन आपके बाद में अगर हमने देखा था कि बहुत बड़ी समस्या है, अगर यहाँ की जनता को मौका देते हैं तो क्या साफ सफाई का जो अभियान है वो यहाँ पे आप काम कराओगे? हाँ बिल्कुल करवाएंगे साहब, वो काम भी करवाएंगे हम, हमारे यहाँ तो कोई सीट पर आता ही नहीं सफाई के लिए, आता ही नहीं आया कोई, ना वार्ड में कोई साफ सफाई है, ना वार्ड में कोई रोड लाइट है,
कई वार्डों में, मेरे वार्ड में तो कई जगह तो रास्ता ही नहीं है, तो सड़कें नहीं है। मुखिया जी, जनता ने तो पिछली बार भी यहाँ से भाजपा को वोट दिया था, भाजपा को जिताया था, फिर भी उनको ये समस्या का समाधान करना पड़ा, तो अगर जनता आप पे विश्वास क्यों करे? विश्वास इसलिए करे कि साहब मैं मौलिक रूप से वार्ड का ही हूँ, आज जनता के देखे ना तो मेरा वार्ड में मेरा लास्ट में मेरा ही मकान आता है, तो मेरे व्यवस्था नहीं पहुंची तो फिर तो गुजरेगी तो वहीं से ही ना, और व्यवस्था पहुंचाएंगे तो सबके होते हुए पहुंचेगी मेरे पास भी। तो इनके कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे साहब। अब की बार जैसे पिछली बार भी यहाँ से आपने भाजपा का बोर्ड बनाया था, यहाँ से जिताया था पार्षद को, अब की बार मुकेश चौधरी को भाजपा ने टिकट दी है, तो कौन कौन सी समस्या है जिस पर आपको लगता है क्या मुकेश जी अब की बार इस वार्ड के अंदर अच्छा काम करेंगे या नहीं करेंगे? देखो सर, जो वार्ड की मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए हम मुकेश जी को आगे लाए हैं, और इन्हीं से और वार्ड वासियों से यही है कि इनको हम जिता के भेजेंगे और हमारा वार्ड का पूरा विकास होगा। चहुमुखी विकास के लिए हम भाई मुकेश जी ग्रेड को अपना समर्थन दे रहे हैं, और ऐसी कोई नहीं है, साफ सफाई होगी, पानी की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होगी, बिजली की रोड लाइटें लगेगी, सड़क का भी काम होगा, सारा काम होगा। इसी के साथ मैं अपने भाई मुकेश जी के साथ हूँ, और जितने भी मेरे जो ज्ञानी है, छोटे गांव है, वार्ड है, उनमें सबसे जाके व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं, और सभी से यही कर रहे हैं कि जो मूलभूत आवश्यकता की जो पूर्ति होनी चाहिए वार्ड में, वो भाई मुकेश जी चौधरी जरूर करवाएंगे। तो भाजपा सरकार अभी जो पिछली बार यहाँ से कांग्रेस के विधायक यहाँ से जीते और भाजपा से यहाँ से मौका नहीं दिया, और अब की बार क्या लगता है यहाँ से भाजपा का, पिछली बार भी बोर्ड बना था, क्या अब की बार यहाँ से भाजपा का बोर्ड बन पाएगा? आप कार्यकर्ता की अहम भूमिका होती है एक पार्षद को जिताना, और उसके बाद में जो पार्षद होते हैं वो एक बोर्ड बनाते हैं, तो उनके पिछली बार भी आप बीजेपी के लिए वोट मांगे आपने घर पर जाके, तो अगली बार मुकेश जी चौधरी के लिए किस आधार पर वोट मांगोगे अपने? आप मुकेश जी ने बताया विकास के मामले में वार्ड बहुत पीछे। देखिए सर, अभी लोगों के पास जोश और जुनून है, सब यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट मिले, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छा विकास कार्य कर रही है, और हमारे वार्ड में भाई मुकेश चौधरी को भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है, और ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, बिजली पानी की समस्याएं हमें मिलाएंगे सर। तो ये था मतलब बार परिसीमन में क्या था, परिसीमन में हमारा वार्ड बड़ा था जी, परिसीमन अब की बात बदला है, हमारा वार्ड छोटा हुआ है, हो सकता है कई बार बजट की आपूर्ति नहीं हो पाई हो, इस वजह से क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, अब की बार हमारे को अलग वार्ड दिया गया है, अलग बजट आएगा, काफी हम इसमें विकास करवाएंगे। बाबा जी ने पूछा किसे किन चुनाव वोट देगा, क्या लगता है मुकेश जी चौधरी को यहाँ से टिकट दिया भाजपा ने, तो क्या लगता है मुकेश जी यहाँ से अच्छा काम करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, आपके पोता जी है, आपकी बार लगा मुकेश जी काम करेंगे यहाँ पे, तारों की तो आशीर्वाद रहेगा, तो आपका क्या आशीर्वाद रहेगा इनपे, आपका क्या आशीर्वाद रहेगा? तो इनके दादाजी थे मुकेश जी के, तो मुकेश जी पे विश्वास किया पार्टी ने, मुकेश जी ने बताया अगर हमें यहाँ से जनता मौका देती है तो हम इस वार्ड के अंदर एक अच्छा विकास करेंगे। हमारे कैमरामैन सोगी के साथ, यहाँ की जनता को तय करना है कि यहाँ का पार्षद कैसा हो, हमारे कैमरामैन सोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी। पहले तो मेरे भाई साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, हमारा कई बार नगर पालिका में बोर्ड बीजेपी का ही बना था, उन्होंने कार्यकर्ता हमारे जो भी थे सब मजबूत थे, बीजेपी का गढ़ बनाकर यहीं से हमने भेजा था, हमारा पार्षद भी बीजेपी का ही था, बन कुछ पार्षद साहब का ध्यान नहीं देने की वजह से और कुछ वार्ड लंबा होने की वजह से, वार्ड बड़ा था हमारा, इस वजह से कुछ ये कमियां रही है, इनको हम दोबारा से इसको पूरा करेंगे। तो आपके जो यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ के जो वोटर है, उनको क्या अपील करना चाहते हैं? उनसे अपील यही है कि गई बार जैसे प्यार से नहीं दिया वो प्यार से नहीं रखे हमारे साथ में, हम पूर्ण विश्वास पे है कि उनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं वो सारी पूरी करवाएंगे।